वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था और यही वजह है कि योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि योगी की अपार सफलता और मोदी योगी की मजबूत होती जोड़ी को देखकर शिवराज सिंह चौहान भी वही राह पकड़ रहे हैं जिसपे योगी चले थे। हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और अब शिवराज भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा बनने की कोशिश में है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामा का बुलडोजर गर्दा उड़ा रहा है और आरोपितों के अवैध घरों को धराशायी कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खमरिया गाँव में होली के दिन दो पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक आदिवासी युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और दोनों समुदाय के 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आरोपितों के अतिक्रमण में बने घर दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। जिला प्रशासन ने वन संयुक्त विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और कुछ आरोपितों के घर से अवैध सागौन की कीमती लकड़ी से बना फर्नीचर भी जब्त किया। अब तक कुल 16 आरोपितों में से 13 की गिरफ्तारी कर ली गई है और 3 आरोपितों की तलाश की जा रही है। वहीं अब लगातार चलते बुलडोजर के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुलडोजर मामा बताया जा रहा है। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग लगवाई है। उसमें उन्होंने शिवराज को मामा बुलडोजर बताते हुए लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। बता दें कि 8 मार्च को आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव में कई घरों, दुकानों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। 22 वर्षीय आदिवासी युवक राजू की गोली लगने से मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, आरोपितों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तेज दुरुस्त जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।